हाय, ये जो लेक्चर सीरीज होगी जिसमें हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, जाहिर सी बात है पढ़ने लिखने की चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको सही मायने में एजुकेशन के नज़रिए से डिस्कस करेंगे। भीड़ लगी पड़ी है। अगर किसी बच्चे ने 11वीं 12वीं क्लास को बायोलॉजी से किया है तो वो डिफ़ॉल्ट वर्जन पे चला जाता है बच्चे, क्योंकि उसको नीट निकालना ही निकालना है। हम भी कर रहे हैं, तो इंटरनेट पे ये सामान रखा जा रहा है। ये लेक्चर सीरीज जो अभी रिकॉर्ड हो रही है ये मेरे लिए है, ताकि हम बायोलॉजी को एजुकेशन के नज़रिए पे देख पाए। वक्त धीरे धीरे इतना बदल गया है कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा डिटेल्ड में किसी बात को समझना चाहता है और उसको लेकर के एक नया नज़रिया अगर किसी के सामने पेश किया जाता है तो बोला जाता है भाई ज़्यादा फिलॉसफी मत झाड़। लेकिन फिलॉसफी ही वो तरीका है जिससे आप चीज़ों को लेकर के इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक नया नज़रिया बना सकते हैं और कुछ नया खोज सकते हैं। और एटलीस्ट नया नहीं तो जो एटलीस्ट यू विल गेट टू नो दैट व्हाट डू यू नो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट डू यू नॉट नो एंड दैट यू नो दैट यू डू नॉट नो। ये किसी भी फिलॉसफी की पराकाष्ठा है जब आप इस अंडरस्टैंडिंग को छोड़ करके इस रियलाइजेशन पे पहुंच जाएं कि आपको नहीं पता है चीज़ें, नज़रिया। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर 1 को लेकर के। चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड को लेकर के है, जिसके अंदर में जो चीज़ें डिस्कस करे जाने वाली है वो एनसीईआरटी डिस्कस करना चाहती है कि भाई लिविंग क्या होता है, क्या आप कोई चीज़ लिविंग है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, वो ग्रो करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है, वो सुनता है, वो उसके अंदर में चीज़ों को समझने की क्षमता होती है, वो रिस्पॉन्ड कर सकता है, वो स्टिमुलस ले सकता है। लेकिन इस सारे डिस्कशन में जो एक चीज़ छूट रही है वो है डिस्कशन ऑन डेथ। लाइफ की अगर, मतलब ऑल्दो इट्स अ सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, लेकिन अगर कोई चीज़ जिंदा है उसका लिटमस टेस्ट अगर कुछ है तो वो ये कि वो मरेगा। ऑल दो उसके भी एक्सेप्शन मौजूद हैं कि मरना आप किसको कहेंगे। इसके दो तरीके के आर्ग्यूमेंट है। पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि मरना ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन का जो एंड है वो मरने से हो सकता है कि आपका जो एंड है वो ट्रांसफॉर्मेशन से हो। जिसके दो एग्जाम्पल हैं, जेलीफिश और बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया जब दो बैक्टीरिया में डिवाइड करता है तो हम जो नए बैक्टीरिया आए हैं अब उनको डॉटर सेल बोलते हैं। लेकिन डॉटर सेल, दो डॉटर सेल के बनने के लिए एक जो पेरेंट सेल था उसका खत्म हो जाना, उसका गायब हो जाना, किसी का मरना अलग होता है। वहाँ पे आप बॉडी को देख सकते हैं और किसी तरीके से उसकी मशीनरी जो अंदर बायो मॉलिक्यूल्स थे अब उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, ख़त्म होते चले जाएंगे वो। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ गायब हो गई है, इट हैज़ जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड इट सेल्फ इंटू इट्स ओन डॉटर सेल, कि अपने आप को ही बदल करके अपने बच्चों के अंदर में आप बदल गए हैं। क्या यहाँ पर जो ट्रेडिशनल डेथ की डेफिनेशन है वो लागू हो पाएगी क्या? दूसरा जेलीफिश का एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म गायब हो गया उसी तरीके से जो जेलीफिश है वो खुद ब खुद अपने आप को ही एक सेक्सुअल स्टेज में बदलती है, फिर सेक्सुअल स्टेज अगला एसेक्सुअल स्टेज में बदल जाती है। और इस तरीके से एक नज़रिए से देखा जाए तो जेलीफिश अमर है। लिटरली हमारे सामने ऐसे ऑर्गेनिज्म जिंदा है जिनको हम अपनी ट्रेडिशनल डेथ की डेफिनेशन के डब्बे में नहीं डाल पा रहा है। और डेथ को ही आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे उसके ऊपर कि आप, हम हर वक्त मर रहे हैं। हम हैं कौन? अंकित वर्मा आज 30 साल की उम्र में कौन है? मेरे हिसाब से मेरे दो अंग हैं, दो डायमेंशंस हैं। वैसे ही डायमेंशन सर शब्द बड़ा एब्यूज होता है, बट ले लेते हैं फिलहाल। एक मेरा फिजिकल डायमेंशन और एक मेरा मेंटल डायमेंशन। तो फिजिकल डायमेंशन जो मैं खा रहा हूँ एटम है,
जो पराठा मैंने खाया वही उसी के एटम टूट करके मेरे बदन पे लगे हैं, वही एटम मेरे पास हैं, और वो एटम दिन ब दिन बदलते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं वो एटम्स के साथ अभी मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ जिन एटम्स के साथ मैं पैदा हुआ था। और अगर वो 5 किलो का मैं जो पैदा हुआ था और आज तक 30 साल की उम्र के बाद अगर वो एटम्स ही नहीं बचे हैं, तो फिर वो क्या इन्फॉर्मेशन है जो कंजर्व्ड है, जो कि फिजिकल रेलम में मुझे मैं बनाता है, और मेंटल रेलम का क्या? अंकित वर्मा कौन है? जब मैं पूछा जाता है तो मेरा दिमाग इमेजिन करने की कोशिश करता है, और वो सारे यादों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है जो याद हैं, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको याद नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जो आपको याद नहीं है। और अगर मैं एक वक्त ऐसा आए जब मुझे ब्रेन स्ट्रोक हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जिसकी वजह से मैं अपने इतिहास को भूल जाऊं, तो एक तरीके से मैं तो मर चुका हूं ना, क्योंकि बिल्कुल उसी तरीके से कि दो अगर मेरा कोई जुड़वा भाई होता तो उसका फिजिकल आइडेंटिटी और मेरी फिजिकल आइडेंटिटी आइडेंटिकल है, उसका जेनेटिक मटेरियल और मेरा जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल है, लेकिन हम दोनों की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस केवल इसलिए थी कि हम दोनों अलग तरीके के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहे थे, अलग चीज़ें देख रहे थे, अलग चीज़ों से स्टिमुलस प्राप्त कर रहे थे, और उसकी वजह से नई अपनी इंडिपेंडेंट मेमोरीज बना रहे थे, जिसकी वजह से मेरा जुड़वा भाई अलग है मुझसे, जबकि जेनेटिक लेवल पे वो मुझसे अलग नहीं है। फिजिकल लेवल पे हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन मेंटल लेवल पे तो बिल्कुल, क्योंकि फिजिकल लेवल पे हम बहुत दूर से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं। और मेरी आइडेंटिटी केवल इतनी ही है कि मैं बस याद करता रहता हूँ कि हाँ मेरे ये एक्सपीरियंसेस हैं, और दोज एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड इन माई लाइफ मेक्स मी, मुझे बना रहे। और अगर एक कोमा में गया व्यक्ति या मेंटल स्ट्रोक वाला व्यक्ति जिसकी सारी यादें चली गई हैं, एक तरीके से वाकई में वो व्यक्ति मर चुका है जिसने वो सारे एक्सपीरियंसेस किए थे, अब ये नया व्यक्ति है जो अब नए एक्सपीरियंसेस लेगा शायद। एक मौत जो है, एक डेथ जो है, वो इस लेवल पे हो गई है। दूसरे लेवल की मौत हो सकती है आपकी, जब आपका आप एक तरीके से जो मेंटल है, जो मेमोरी वाली है, वो आप रोज़ाना मर रहे हैं। और जो दूसरी मौत हो सकती है वो हो सकती है जब आप सो कॉल्ड दुनिया की नज़र में डेड हो जाते हैं, जब आपका ब्रेन चलना बंद हो जाता है, आप धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, आपका दिल धड़कना बंद हो जाता है, जो कि ट्रेडिशनल डेफिनेशन है डेथ की। लेकिन आप क्या तब भी सच में मरे हैं? क्या आपका शरीर का एक एक सेल मर चुका है? नहीं, क्योंकि अभी भी आपके मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो क्या आप मरे हैं? नहीं, वो आंखें जो आपके पास हैं किसी और व्यक्ति को देखने में हेल्प कर सकती हैं, उनके वॉर्म में वो सेल्स मौजूद हैं जो सेल्स आप में मौजूद थी, और आगे भी वही सेल्स काम करती रहेंगी उन्हीं उसी जेनेटिक मटेरियल के साथ। सबसे बड़ा जो फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट इस आइडिया के नज़दीक घूमता है वो शिप ऑफ थीसियस का है। शिप ऑफ थीसियस पैराडॉक्स है एक, जिसका जवाब आज की तारीख में हमें मालूम है, जिसके जवाब को मैं अभी आज डिस्कस नहीं करूँगा। आप इस पर सोचें, थोड़ा विचारें कि एक राजा है थीसियस, उसका एक जहाज है, जंग पे लड़ने के लिए जाता है, बोल के जाता है अपने नौकरों को कि भाई देखो इसका ख्याल रखना, जब भी इस जहाज का कोई भी हिस्सा खराब हो तो उसे बदल देना। राजा चला जाता है, लेकिन राजा जाकर मर जाता है, लेकिन उसकी याद में उसके जहाज को संजो करके रखा जाता है, और जो जो चीज़ें खराब होती चली जाती हैं उनको बदलते चले जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब जहाज में एक भी पुर्जा ऐसा नहीं बचा है जो पुर्जा पहले मौजूद था, हर पुर्जा बदला जा चुका है। तो क्या ये जो नया जहाज है, ये नया जहाज थीसियस का है? और अगर है तो जो बचे हुए कल पुर्जे हैं उससे अगर मैं, जो कल पुर्जे बदले गए हैं उससे अगर मैं एक नया जहाज खड़ा कर दूं, तो वो जहाज किसका होगा? और यही प्रिमाइस है, एक मूवी है शिप ऑफ थीसियस उसका। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से कि अब आपके जो ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, तो क्या आप अभी भी पूरे तरीके से डेड हैं? नहीं,
लेकिन जब आपके शरीर का सारा मटेरियल वाला रेलम खत्म हो जाएगा, तब एक और लेवल की डेथ एग्जिस्ट करेगी। क्या अभी भी आप मर चुके हैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो अगर मैं आपका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको अगर मैं संजो करके रख लूँ तो, क्योंकि एक मौत होती है आपका इंडिविजुअल के लेवल पे, क्योंकि आप अपने आइडेंटिकल ब्रदर से, जो आपका जुड़वा भाई, उससे अपना जेनेटिक मटेरियल 100% शेयर करते हैं, तो जीन के लेवल पे अभी भी आप जिंदा हैं। किसी भी रैंडम इंडिविजुअल से मैं 99.9% मेल खाता हूँ अपना जेनेटिक मटेरियल, तो हम सब आपस में एक चीज़ शेयर कर रहे हैं। तो केवल और केवल यही सारे के सारे देखने के नज़रिए हैं कि किस तरीके से, कि अगर कोई चीज़ ज़िंदा है तो उसमें एक चीज़ जो कॉमन रहेगी वो है मौत, और उस मौत के जो अलग अलग डायमेंशंस हैं उसको हम मिल करके डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। अगला आइडिया इस किताब में जो आता है वो आता है आपका चीज़ों को क्लासिफाई करने का। चीज़ें जैसे ही आप चीज़ों को क्लासिफाई कब कर सकते हैं, जब क्लासिफिकेशन के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज़ चीज़ों का आइडेंटिकल न होना। अब आप एक मार्केट में गए और मार्केट में जाकर के आपने देखा कि पार्ले जी के बिस्कुट का पैकेट है, पार्ले जी के बिस्कुट का पैकेट एक दूसरे से इतना आइडेंटिकल बनाया जाता है कि आप आंख बंद करके कोई भी पार्ले जी के बिस्कुट का पैकेट उठा सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये सारे के सारे जो है बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। मैं अगर इनमें अंतर ढूंढूंगा अभी तो मुझे पता नहीं, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा तब जाकर के मुझे कोई ऐसा छोटा सा अंतर नज़र आएगा प्रिंटिंग वगैरह के अंदर में, या उसका कट जो है कहीं अलग तरीके से लगा हुआ है। तो आप चीज़ों को अलग अलग कर ही नहीं सकते। अगर कोई चीज़ एक दूसरे से इतनी ज़्यादा आइडेंटिकल है, अगर 1 रुपये के सिक्के जो कि आइडेंटिकल हैं वो बनाए गए हैं, तो उसमें से आप दोनों को सेग्रीगेट करने के लिए जो प्री रिक्विजिट है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये कि कुछ तो अलग होना चाहिए। तो वेरिएशन इज वेरी मच नेसेसरी फॉर थिंग्स टू सेग्रीगेट, कि ग्रुप भी ग्रुप अगर बनाना है आपको तो चीज़ों को थोड़ा सा अलग होना ही पड़ेगा, होना ही चाहिए, तभी जाकर के आप चीज़ों को अलग कर पाएंगे एक दूसरे से। अलग करने के 2 तरीके हैं, कि आप उसको हायरार्कल लेवल पे अलग करें, ऊपर नीचे वाले लेवल पे, और उनको आप किस लेवल पे अलग करें, हॉरिजॉन्टल लेवल पे अलग करें। इसके 2 एग्जांपल जो सबसे करीब पेश आते हैं कि आप सोशल हायर किसी कंपनी में अगर आप देखें तो तनख्वाह के मुताबिक या सोशल स्टैचर के मुताबिक दरबार, दरबान, चौकीदार, प्यून, क्लर्क, हेड क्लर्क, है ना, सीईओ, इस तरीके से आपका हायरार्की बन रहा है, या फिर भगवान, इंसान, इस तरीके का हायरार्की बन रहा है। और एक हायरार्की है जो कि इवोल्यूशन वाला हायरार्की है, जिसमें चीज़ें केवल एक दूसरे से बदलती हुई नज़र आती हैं, कि भाई ठीक है, एक आपने एक सेम आटे से जब आपने रोटी बनाई, बिल्कुल 50 ग्राम का ही आटा का पेड़ा लेकर के आपने रोटी बनाई है, लेकिन एक रोटियां आपने गोल बनाई है और एक जो है तिकोन बनाई है। तो अब आप उन चीज़ों को जब अलग करेंगे तो इसमें कोई हायरार्की नहीं है, इसमें कोई कि तिकोन बड़ा होता है कि गोला बड़ा होता है, यहाँ पर चीज़ें जो है वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक दूसरे से अलग है। तो जो हम जब हम इवोल्यूशन के अंदर में सेग्रीगेशन की बात करते हैं, तो जब बात करते हैं, ये आइडिया इतना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इवोल्यूशन को जब समझते हैं तो उसके अंदर में जो नई स्पीशीज आती हैं या जो चेंजेस आते हैं उसको हम वर्टिकल हायरार्की में रखने की कोशिश करते हैं, कि भाई ये पोरीफेरा है, फिर ये मोलस्का है, फिर ये ऊपर आएंगे, फिर ये इसके ऊपर बंदर है, फिर उसके ऊपर ये है, फिर हम है। ये आइडिया बिल्कुल गलत है। हम लोग हायरारिकल के लेवल पे इस तरीके से भगवान ऊपर एक बड़ी सर्वशक्तिमान, ओमनी पोटेंट, ओमनी सीएंस, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद है, हर कुछ जानता है,
ऐसा व्यक्ति ऊपर है हमसे, स्पेसिफिक कंटेक्स्ट है वहाँ पर। लेकिन इवोल्यूशन के अंदर में जब भी हम बात करेंगे चीज़ों के वेरिएशन की या चीज़ों की अलग होने की, तो वहाँ पर हम हमेशा हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर बात कर रहे हैं। आज की तारीख में जो पोरीफेरा या ऑक्टोपस या मोलस्क जो आज की तारीख में आपको मिलते हैं, गलती से भी ये ना सोचिए कि ये पुराने जीव हैं, हम इनसे एडवांस्ड वर्जन हैं। हम एडवांस्ड नहीं हैं। एडवांस्ड शब्द कहते ही आप उसको पुराना कह रहे हैं कि ये क्या नाम है, नीचे निचले स्तर पे है, हम ऊंचे स्तर पे हैं, जो बिल्कुल आइडिया, बिल्कुल रॉन्ग आइडिया है। हम चीज़ों को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो पहला आइडिया जो आपको पता रहना चाहिए कि क्लासिफाई करने से पहले, कि हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो भगवान और इंसान वाला क्लासिफिकेशन नहीं करते हैं, हम तिकोन रोटी और गोल रोटी वाला क्लासिफिकेशन करते हैं, जो सारे के सारे एक ही तल पे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, विभिन्न हैं, वेरिएशन है, लेकिन कोई ऊपर नीचे नहीं है इसमें। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। और इन लेक्चर्स में चूंकि कोई एक सख्त पैरामीटर नहीं है चीज़ों को डिस्कस करने का, हम एक एंकर ज़रूर लेते हैं अपनी बातों को शुरू करने के लिए, लेकिन कोई डब्बा नहीं है कि जो चीज़ हमें निपटानी है, क्योंकि आइडिया इज़ टू मेक यू थिंक, प्रवचन नहीं है। दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड टुगेदर। दिस द क्वेश्चंस दैट आई एम कमिंग अप, कोई लेक्चर नोट्स या किसी तरीके का खाका बना करके मैं यहाँ नहीं बैठता हूँ। हमारे पास केवल एंकर था कि क्या चैप्टर एक के अंदर में से कुछ बातें डिस्कस की जा सकती हैं, कुछ सवाल निकल सकते हैं। यू कैन ऑलवेज आस्क बेटर क्वेश्चंस एंड द मोर बेसिक एंड जेन्युइनली आप जब सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब आपके पास मौजूद होगा। तो हम बस केवल और केवल मिल करके जेन्युइनली अच्छे सवालों को सोचने की कोशिश करेंगे। गलती से भी इन पर्टिकुलर लेक्चर्स के नोट्स ना बनाए बनाए जाएँ, क्योंकि ये इफ़ दे आर गोइंग टू सीप इन, दे आर गोइंग टू सीप इन, ये आपके अंदर में जज्ब होने के लिए। इसके अंदर में आप कभी भी तैयारी नहीं कर सकते कि हाँ मैं ये चीज़ें लिख लेता हूँ और इसको कभी इस्तेमाल करूँगा डायलॉग की तरह, आप सीधा मुंह के बल करेंगे। तो एक लेक्चर सीरीज़ जो कि एनसीईआरटी की लाइनों के लिए, एक लेक्चर सीरीज़ मेरे लिए जिसके अंदर में हम कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के वाकई में डिस्कशन करना चाहेंगे कि जो हम सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, हाउ टू थिंक। किताबें आपके पास हैं, मुझे नहीं समझ में आता है और शायद आता है क्योंकि मैं भी वही स्टूडेंट था, कि आखिर जब किताबें आपके पास है तो आपको किसी और व्यक्ति की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि वो आपको पढ़ के सुनाए। आपको भाषा आती है, आपको केवल चीज़ें उठा करके पढ़नी है। व्यक्ति विशेष की ज़रूरत पड़ेगी भी तो उस कंडीशन में पड़ेगी जब आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, वाद विवाद करना चाहते हैं। खैर बहरहाल आज इसको यहीं समाप्त करेंगे।